लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा। लघु काव्य मतलब छोटे छोटे काव्य एंड गुरु काव्य मतलब बड़े बड़े काव्य। अब छोटे छोटे काव्य में अलग अलग प्रकार के काव्य हैं, तीन है। दूहा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि दो दो लाइन में होता है तो उसको दूहा कहते हैं, इसको शेर कहते हैं, उसको शायरी कहते हैं। मुक्तक के अंदर चार लाइन होती है। और हाइकू जो होते हैं ये एक जापानीज काव्य है जिसमें 5-7-5 मतलब 5 लेटर फिर 7 लेटर फिर 5 लेटर टोटल 17 लेटर है। पर सेकंड में 7 ही आने चाहिए और फर्स्ट और थर्ड के अंदर 5-5 आने चाहिए, तो दैट इज़ हाइकू। दूहा में 2 लाइन, मुक्तक में 4 लाइन और हाइकू में 17 लेटर्स। तो ये हमारे 3 प्रकार है अलग अलग। दूहानु स्वरूप बे लीटीमां होय छे परंतु जीवन ने भाव सचोट रीते प्रगट करतू होय एवा पहला दूहामां कवि स्वजन वच्चेना प्रेमनी वात करे छे कि अपने रिलेटिव्स जिसके साथ हमारा खून का संबंध होता है जिसको हम कहते हैं लोहिनी सगाई, वो भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी है, पापा है, तो उसके साथ हमारा खून का संबंध है। तो कहते हैं ना कि उसके साथ हमारी थोड़ी अनबन हो जाए, बुला चाली हो जाए, झगड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा खून का ही रिश्ता। तो रीज़न बताया कि कड़वो लिमड़ो हो, लिमड़ा कड़वा होता है तो भी उसकी जो छाया होती है वो हमें हमेशा ठंडक ही देती है। उसी तरह से भाई बहनों के बीच में अगर आपका अबोला हो गया है, मतलब नहीं बोलते, किट्टाम कर लेते हैं, तो पर खरे समय मुश्किली के समय पे वही हमें काम आते हैं। तो हमें फर्स्ट दूहा में बताया गया है कि कड़वा हो लिमड़ा तो पर शीतल एनी, शीतल बोले ठंडी और छाया बोले तो छाया। बांधव हुए, बांधव बोले तो भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम बातचीत बंद कर देते हैं। अबोलड़ा हुए तो पर पोतानी भाई, तो भी हमारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन ही होना चाहिए। तो जीवन में ये कहना चाहते हैं कि संबंध है ना वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं, है ना। कभी कभी जहाँ पर पैसा काम नहीं आता है वहाँ पर संबंध काम आ जाते हैं, और वही संबंध हमेशा याद आना चाहिए, वो सच्चे जो रिलेशन वाले खून के संबंध होते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा दुहा में कहा गया है कि घड़ो अगर है घड़ा वो पूरा पूरा भरा होता है तो छलकाता नहीं है, या खाली है तो भी आवाज़ नहीं करता है, पर अधूरा होगा तो इधर से उधर आवाज़ आती है। लाइक मूर्ख होता है वो दिखावा ज़्यादा करता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, तो नहीं है वो भी बड़ा चढ़ा के कहता है और वो बड़ा चढ़ा के अंदर झूठ आता है ना। तो मूर्ख है, गांडा है, वो दिखावा करता है, और जिसके पास परिपूर्ण नॉलेज होता है कभी घमंड करता नहीं है। अगर तू चंद्र को बोलेगा ये चंद्र तो चंद्र नहीं कुछ और है, तो चंद्र नीचे आके थप्पड़ नहीं मारेगा तेरे को, क्योंकि उसको पता है मैं हूँ तो हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मून हूँ क्या नहीं हूँ। गंगा को बोलेगा तू गंगा नदी नहीं है तू कुछ और है, तो सल्फिक नहीं दिखाई गाय काटने के देखो मैं गंगा हूँ, है ना। वो है, अब तुम्हारा प्रॉब्लम है। डॉक्टर है, विद्वान है, ज्ञानी है, शिक्षक है, वो जिसके पास 100% नॉलेज होता है ना घमंड नहीं करता है, वो चुपचाप से बैठा है, है ना। जब हाथी चल रहे होते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं और हाथी उसको इग्नोर करता है, क्योंकि कुत्ता का काम है भौंकना और हाथी का है शान से चलना। तो नॉलेज वाले बंदे इस हाथी की तरह शांति से रहते हैं, और जिसके पास नॉलेज ही नहीं वो क्या बोलेंगे। पर अधूरा जो नॉलेज होता है वो हमेशा दिखावा करता है, इसलिए लिखा है कि जे जन पा में पूर्णता ते कदी ना फूलाए, जिसके पास 100% नॉलेज होते है कभी घमंड करते नहीं है। पूरो घट छलकाए नहीं, पूरा का पूरा जो घड़ा होता है कभी छलकाता नहीं, पर हाँ अधूरा घड़ा हमेशा दिखावा करता रहता है। नाउ नेक्स्ट बताया गया मुक्तक। मुक्तक का मतलब होता है मोती। हमने नाखीशो जिंदगी ना, हमने नाखशो जिंदगी ने आग मा, आग ने पण अमे फेर भी शुभ आग मा। अब हमें जिंदगी के अंदर हर जगह पर आग आग आग, परेशानियां, कॉम्प्लिकेशन, दिक्कतें डालते रहो तो भी हम वो जगह को हम किस में चेंज कर देंगे, बाग के अंदर, खुशियों के अंदर, खुशबू के अंदर, नए पत्तों के साथ, नए फूलों के साथ हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो जिंदगी के अंदर अगर आप हमें आग के अंदर डालोगे तो आग को भी हम कन्वर्ट करेंगे बाग के अंदर। सर करीशु अमे सब मोर्चा, हम सारे के सारे मोर्चे, सारे के सारे जगह है परेशानियाँ वो उसको भी हम अचीव कर लेंगे। ये जगह पर भेजोगे तो वहाँ पर भी हम जीत लेंगे, उस जगह पर वहाँ पर भी, चाहे वो पढ़ाई का मोर्चा हो, चाहे खाना बनाने का मोर्चा हो, चाहे कमाने का हो, चाहे इज्जत का हो, चाहे ताकत का हो, हम उसको भी अच्छी तरह से फाइट से जीतेंगे। सर करीशु अमे सब मोर्चा अने जिंदगी माँ, जो एक वक्त मौत आई जाए ना लाग मात, हम उसको भी बता देंगे, क्योंकि हमने जीना तो आता है पर हमें मरना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। एक बार मौत ने अपन आवी रहो दो लाग मा,
लिखने वाले बंदे का नाम है शेख आदम आबू वाला। शेख आदम आबू वाला कहते हैं कि जिंदगी नहीं खुमारी थी, बेफिक्राई थी, मौज थी केम जीवाए, उसका हृदय स्पर्शी बात यहाँ पर बताई है। मुक्तकना लघु स्वरूप द्वारा वर्णव्यू है कि जिंदगी ने आग ने पण बाग में फेरियो छू, अरे मृत्यु ने पण जो लाग में आवे एक मौका मिल जाए तो हम उसको भी बता देंगे कि हम किस तरह से जीते हैं और किस तरह से हमें मरना आता है। एंड नेक्स्ट बताया गया है, पिंजरानू बारणू खोली पंखी ने कहवामा आव्यू, पिंजरानू बारणू खोली पंखी ने कहवामा आव्यू हवे तू मुक्त छे, हवे तू मुक्त छे। पंखी बाहर निकली ने मानस सामे जोयू ने पाछु पिंजरामा भराय गयो। क्योंकि जैसे नहीं होता है काफ़ी सारे चोर को गैंगस्टर को पकड़ा जाता है और फिर खुली सुनसान जगह होती है जंगल या पहाड़ी, वहाँ पर ले जाते, फिर बोलते जाओ आप शायद आज़ाद हो, और जैसे ही जाते हैं पीछे से पुलिस वाले उसको गोली मार करके उसको कर देते हैं एनकाउंटर। तो यहाँ पर पंछी को पता है कि ये मनुष्य की फितरत है, वो स्वार्थी है, उसका पता नहीं कहाँ पर क्या कैसा मन बन जाए। तो जिसने धीरे से वो पिंजरे में पैक करने वाला, क्योंकि पकड़ने वाला तो वही था, पिंजरा बनाने वाला भी वही, उसके अंदर रखने वाला भी मनुष्य है, अब जब उसमें से निकाल के जब पंछी को बोले कि जा भाई, तो पंछी को डाउट होता है कि भाई ये गंदा इंसान मेरे को आज़ाद कर रहा है, ज़रूर कुछ डाउट होगा। तो वापस से आके पिंजरे में बैठ जाता है, भाई नहीं मेरे को तो आज़ाद नहीं होना, पता नहीं मैं बाहर जाऊँ फिर मार दे, इससे अच्छा यहाँ पर पड़ा रहना ज़्यादा बेटर। इसलिए लिखा है कि पिंजरानू बारणू खोली ने पंखी ने कहवामां आव्यू कि हवे तू मुक्त छे, पंखीए बाहर निकली अने माणस सामे जोयू अने पाछू वळी पिंजरामां भराई गयो, उस वापस से पिंजरे में चला जाता है क्योंकि उसको मनुष्य पे भरोसा नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि जिंदगी के अंदर हर जगह पर इवन पक्षी को भी डाउट है मनुष्य के ऊपर कि पता नहीं ये कहाँ पर किस तरह से कार्य करें। हर्ष त्रिवेदी ने लिखा है कि माणस विषयना अन्य जीव सृष्टि प्रत्ये अविश्वास नो भाव जोरदार रजू कर्यो छे। माणस पिंजरानू बारणू खोली ने पक्षी ने कहे छे हवे तू मुक्त छे, पक्षी बाहर आवी माणस सामे जुए छे अने पाछू पांजरामां भराई जाय छे। तेनो ऊंडो कटाक्ष माणसना दंभ अने डोळ ने खुल्लू मुक्तो आ मुक्तक भूलाय एवू छे।